सबरंग समाचार। विधायक दल के नेता बाबूलाल बहुत चीजों पे अपनी बात रखते हैं। अब ये बात इस तरीके से कि गवर्नर ने जो फाइल वापस करी है, शराब नीति की जो फाइल है वो गवर्नर के द्वारा वापस हो चुकी है, तो इसमें आइए जानते हैं क्या है बाबूलाल मरांडी की टिप्पणी और जो राजनीतिक हालात है झारखंड के। राजनीतिक हालात में जिस तरीके की उथल पुथल मची हुई है, पलट फेर दिखाई पड़ रहा है, उन सभी चीजों पे आइए करते हैं चर्चा। ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होते दिखाई पड़ रही है। सीए सुमन को जो अधिकारी कमीशन के तौर पे पैसे लेते थे, उनके ऊपर शिकंजा का स्तर नजर आ रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो बता नहीं पाएंगे किसके ऊपर ये शिकंजा कस रही है। हम तो इतना जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों में इस राज को लोगों ने खूब लूटा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण में लोगों ने लूटा है, और इस कारण से हम सब लोग लगे हुए हैं कि भाई, चूँकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और इसलिए पार्टी जनता के बीच जा रही है। राज्य की वर्तमान जो स्थिति है, सरकार में बहुत सारी उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, वर्तमान हालत कुछ कहती है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि राज्य में कई चिंता के विषय दिखाई पड़ रहे हैं। जब सीएम के ऊपर शिकंजा ईडी का कसता है, वो जाते भी हैं ईडी ऑफिस और उसके बावजूद ये कहते हैं कि ईडी तो बीजेपी के हाथ में। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई, ईडी बीजेपी का, ईडी तो स्वतंत्र जाँच एजेंसी है। अब राज्य के मुख्यमंत्री अगर राज्य में गड़बड़ी पर उन्होंने कोई लगाम नहीं लगाती है, कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उनको संरक्षण देती है। अब कोयला की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, ज़मीन की लूट हो रही है, और इन लूट के बारे में मुख्यमंत्री को हमने समय समय पर पत्र भी देते रहे, लिखते रहे, और इस कारण से सत्ताधारी दल के नेताओं ने हमें पत्र वीर के नाम से संबोधित भी करते हैं। तो हमारा कहना है, अगर उस पत्र पर मुख्यमंत्री कार्रवाई किए होते तो आज मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष उपस्थित होकर के जवाब देने की नौबत नहीं आती। जब आप कोई कार्रवाई खुद आप नहीं करेंगे तो फिर आपसे जो ऊपर के एजेंसी है, आखिर ईडी तो इसी काम के लिए है, कहीं गड़बड़ होगी तो वो जांच करेगी, सीबीआई कहीं गड़बड़ हो तो जांच करेगी, इनकम टैक्स वाले कहीं टैक्स कोई चोरी करता गड़बड़ी होगी तो वो जांच करेगी। तो फिर अगर इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर इनको घबराने की क्या ज़रूरत है, जाकर के बता देना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ खोल के बता देना चाहिए, तो इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बाबूलाल जी, आप भी सीएम रह चुके हैं, झारखंड के पहले सीएम के तौर पे जाने जाते हैं, एक सीएम की गरिमा, एक मर्यादा, बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है, तो उस हमले का आगे हम भी तो सीएम रहे हैं ना, हमारे ऊपर तो कोई नहीं कह रहा है कि हमने कोई लूटा या लुटवाया, और हम तो कहते हैं अगर किसी को कोई इस प्रकार की प्रूफ है, जानकारी है, तो भाई 15 नवम्बर 2000 से जाँच करा ले, हमको क्या प्रॉब्लम है। भाई, सरकार तो एक कस्टोडियन होती है राज्य की संपत्ति के, मालिक नहीं होते हैं, लेकिन ये तो मालिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लगता है यहाँ की जो खनिज संपदा, यहाँ की ज़मीन है, लगता है कि हमारे बाबूजी का है, जिसको चाहो उसको दखल दे दो, जिसको चाहो उसको लुटवा दो। भाई, ऐसा नहीं चलता है। तो आज जो अगर राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने सारे जो सवाल खड़ा हो रहा है, उन्हें खुद अपने आप को उन्होंने खड़ा किया है, दूसरों ने इसको कुछ नहीं खड़ा किया, बल्कि हम लोगों ने तो समय समय पर सतर्क किया। आज से 1.5-2 साल पहले हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि भाई, साहेबगंज में इलीगल पत्थर के उत्खनन हो रहा है, चोरी हो रहा है, जहाज से, ट्रेन से, ट्रक से, आप इसको रोकिए। कुछ नहीं किया। अगर वो रोके होते, उसी समय कार्रवाई किए होते, जाँच किए होते, तो फिर मुख्यमंत्री को ईडी क्यों बुलाते हैं? आप देखिए, यहाँ पंकज क्या बोलते हैं, प्रेम प्रकाश के घर से 2-2 AK-47 मिला, आपने क्या कार्रवाई किया? अगर आप कार्रवाई किए होते, एसएसपी के ऊपर कार्रवाई करते, सीएम सिक्योरिटी में जो ऑफिसर नियुक्त है उनके ऊपर कार्रवाई करते, डीजी के ऊपर कार्रवाई करते, कमांडेंट के ऊपर कार्रवाई करते, जो लोग रेस्पॉन्सिबल है,
आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब साफ है, क्योंकि वो AK-47 उन कंस्टेबल का है जिनको CM की सिक्योरिटी में डिपोर्ट किया गया, फिर AK-47 उनके घर कैसे चला गया? आप कह रहे हैं साहब हमको प्रेम प्रकाश को हम नहीं जानते कौन है क्या है, तो पूछेगा ही ED आपसे, पूछताछ करेगी, इसमें कहाँ दो मत है। अभी आपने देखा कि राज्यपाल ने शराब के लॉकर के जो नीति है फाइल को वापस किया कुछ बिंदुओं का कमेंट। हमने तो 6 महीना पहले राज्य सरकार को, आप सब ने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था कि किस प्रकार से यहाँ गड़बड़ी हो रहा है, किन किन लोगों को देने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, नाम के साथ हमने दिया था, फिर उन्हीं को दिया गया। हमने कहा था कि भाई जैसे पहले जिला में ऑक्शन होता था वैसे जिला में ऑक्शन होता, कहाँ परेशानी होती, मुख्यमंत्री को नहीं पकड़ता। आपने जिस तरीके से अभी बोला कि शराब नीति की जो फाइल है वो वापस कर दी गई गवर्नर की तरफ से, इसमें भी कई सवाल खड़े कर रही है सत्ताधारी दल, कह रहे हैं कि गवर्नर ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने कह रहे हैं ऐसा इसलिए करेंगे, अगर आप गड़बड़ करेंगे, आप कुछ भी कहेंगे कि गवर्नर साइन कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। क्या गड़बड़ी दिखाई पड़ रही? अरे गड़बड़ी क्या दिखाई पड़े, तो जांच होगा तो पता चलेगा, जो देखा है फाइल देख लीजिए। हमने तो फाइल देखा नहीं है, लेकिन हमने कहा कि पहले ही जब टेंडर जब निकल रहा था, उसका जो नीलामी के लिए ऑक्शन निकल रहा था, उसी समय कई एक हेर फेर हुआ, क्योंकि अभी तुरंत हमको कंटेंट याद नहीं है। अगर आज भी हम कहेंगे कि हमारे ट्वीट को अगर आप रिवर करके फिर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हमने सारी चीज़ें पॉइंट आउट किए हुए हैं उसमें से। तो आप अगर जानबूझ करके इस प्रकार की गड़बड़ी करेंगे, भाई सिंपल सी बातें थी, आप जिला को कहते, जिला के DM जैसे पहले ऑक्शन करते थे, नीलामी करते थे शराब की दुकानों की, वैसे ही करते, तो आज हेमंत सोरेन को ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो आपने कुछ नहीं किया, आप तो कमाने के लिए अपने ढंग से अपने चहेतों को आप देंगे, तब तो फिर जांच तो आपके यहाँ तक पहुँचेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा, इसलिए मुख्यमंत्री उसे बच नहीं सकते। और मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन शराब की भी नीतियों पर और शराब की नीलामी का भी जांच होगी, जो दिल्ली में जो घोटाला होगा उससे बड़ा घोटाला यहाँ निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े हुए थे बाबूलाल जी। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, गवर्नर की ओर से शराब नीति पे जिस तरीके से फाइल वापस हो जाती है, और ये वापस होती है तो इनका ये कहना है कि जब गड़बड़ियां होंगी तो ये सभी चीज़ें, ये दिन देखने पड़ेंगे सूबे के मुख्यमंत्री को, तो ऐसे में सभी चीज़ों को पहले से ही दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद ये सभी चीज़ गवर्नर के पास कुछ भी फाइल जानी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं करने वाले। तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर झारखंड में शराब नीति के ऊपर बात की जाए तो उस पर अगर कुछ चीज़ें देखी जाती है तो दिल्ली से बड़ा घोटाला निकल के सामने आ सकता है। अब देखते हैं कि इनका ये सभी चीज़ें किस ओर रुख करती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा सबरंग समाचार।